से हैं आप, आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये चैप्टर हमारा जो है सेकंड वाला है ना, चैप्टर जो है सेकंड, ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया था है ना। चैप्टर सेकंड हमारा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है भाई, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है, इस पे अपन डिस्कस करते हैं। जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थोड़े से जो है हार्ड होंगे या इस तरीके के होंगे जो आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इन क्वेश्चनों को अपन देखेंगे। बाकी इजी क्वेश्चनों को तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये किस तरीके के क्वेश्चन ये आपके हैं, इस पे अपन देखते हैं। तो इसमें पहले वाला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपका दिया है टू चार्जेस है ना, 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड −3 × 10⁻¹। एक पॉजिटिव जो है चार्ज है और दूसरा वाला क्या है, नेगेटिव है। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। एट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे है आपका, जीरो होगा। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, और ये तो आपको मालूम है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को अपन जीरो मानते ही हैं। ठीक है, तो इसमें अपन देखें इसको, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो चार्जेस दिए हुए हैं है ना, चार्जेस आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पे एक चार्ज हो जाएगा Q1 चार्ज और दूसरा वाला जो है ये Q2 वाला चार्ज। ठीक है भाई, तो Q1 चार्ज कितना है आपका, ये हो रहा है 5 × 10⁻¹, और Q2 3 × 10⁻¹ हो गया, डिस्टेंस ही इतना हो गया। तो अब ये जो अपन पॉइंट ले रहे हैं, तो हम दो इस सिचुएशन ले सकते हैं है ना। एक जो चार्ज यदि अगर रहते हैं, मान लीजिए एक इस तरीके से दो चार्ज यदि अगर बने हुए हैं, तो क्या होगा इन चार्ज पे, बहुत सारे इसके आपके जो है न्यूट्रल पॉइंट्स इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम जो है दो न्यूट्रल पॉइंट की बात करते हैं है ना। एक तो जो है आपका, एक दोनों को ज्वाइनिंग यदि अगर करा है तो वहाँ पे ले सकते हैं, और दूसरा वाला पॉइंट मान लीजिए बाहर माना हुआ है हमने है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ से मान लो चार्ज हमने Q1 लिया है और Q2 चार्ज लिया हुआ था, उनके बीच का एक पॉइंट मान लिया P, P पॉइंट पे जो है ये क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है या जीरो हो रहा है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया D, वो 0.16 जो है वो मीटर दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो पी पॉइंट पे हमने जीरो माना, तो ये आपको क्या मालूम है कि ये दो तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। या तो डायरेक्ट जो पोटेंशियल V1/V2 ऐसा करके आप डायरेक्ट निकाल लें, या फिर जो है आप ये भी कर सकते हैं कि भाई टोटल जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से जो आप जानते हैं है ना, सुपर पोजिशन जो प्रिंसिपल है उससे आप जानते हैं, उससे आप क्या लेते हैं, टोटल जो पोटेंशियल है ना क्या हो जाएगा, V=V1+V2 एंड सो ऑन है ना भाई, इस तरीके से। तो V टोटल ये जो है किस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा बोल रहा है, और V1+V2 हो गया, यानी V1 = −V2 ले लिया, फिर ये नेगेटिव चार्ज हो रहा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि V1 बराबर क्या हो, इस सिचुएशन हो जाएगी V2 की सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो है ये आपके जो पॉइंट अपन ने लिए हुए हैं है ना, सॉरी, यहाँ से जो पॉइंट अपन ने लिया था है ना, चार्ज यहाँ Q1 और Q2 और डिस्टेंस यहाँ पे D पे है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको, या तो V करके इनको हम ऐड करके बता सकते हैं, चूंकि ये नेगेटिव वाला होगा तो यहाँ पे इक्वल देन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले वाले चार्ज के लिए ले लें तो टोटल पोटेंशियल मालूम है, जो पोटेंशियल का फार्मूला मालूम है ना, V=1/4π ε₀, और जो Q आप जानते हैं R होता है ना, तो इसी पर ये हो जाता, तो ये आपका ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से ये ऐड होगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इनको इक्वेटिंग कर देते हैं, तो यहाँ से अगर इक्वेटिंग करते तो उस दौरान क्या होगा, ये बताया आपको, जैसे ये नेगेटिव वाला हो रहा है ना, ये दोनों को ये सॉल्व करते हैं तो ये देखिए नेगेटिव और ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव होगा, यानी वही V1=V2। तो जब आपके पास टाइम यदि अगर कम है तो डायरेक्ट आप जो है किन पॉइंट पे पोटेंशियल जो इक्वल होगा ऐसा करके आप यहाँ से सीधा भी शो कर सकते हैं। तो फिर कुछ नहीं है, यहाँ से Q1 की वैल्यू ये तो आपको मालूम है 5 × 10⁻¹ है, और ये Q2 की वैल्यू दूसरा चार्ज था 3 × 10⁻¹ है ना, ये दिया हुआ था, और ये वाला डिस्टेंस हमने क्या माना है R, और ये वाला डिस्टेंस क्या लिया है D-R। तो दोनों
कि बीच का जो डिस्टेंस था ये डी था, और यहाँ पे अपन ने पी पॉइंट लिया हुआ था, और प्लस वाले चार्ज से मान लो हमने ये आर माना था, तो ये बचा हुआ वाला कितना था, डी माइनस आर था, है ना। तो इसको लेके बनाया गया ऐसा, तो ये मिल गया। तो यहाँ से तो माइनस एट तो आप पहले कैंसिल आउट कर दीजिए, है ना। और तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट, है ना, ये 16 हो जाएगा, है ना, और आर और माइनस वन, है ना। ये सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ये लगभग आर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये पहले वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये पहला वाला जो इनसाइड में। अब हो सकता है कि इधर आउटसाइड में भी आपको एक कोई न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा हो, है ना। न्यूट्रल पॉइंट मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है दोनों का जो हम कहें पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर इक्वल हो रहा है, है ना। तो लेकिन वो क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो जहाँ पे जो है जिसका चार्ज कम होगा उसकी ओर थोड़ा वो शिफ्टिंग होगा, है ना, ये ध्यान देंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से सेकंड वाला ले लेते हैं कि भाई जो है टू चार्ज ले लिया और सेकंड वाला पॉइंट वहाँ से नेगेटिव यहाँ पे उससे कुछ डिस्टेंस आउटसाइड पे ले लेते हैं, ठीक है भाई, आउटसाइड पे है, ठीक है। तो जो आपका सेकंड वाला पॉइंट लिया, सेकंड वाले में सपोज़ ये पॉइंट पी आउटसाइड लिया, तो यहाँ पे एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज ये वाला Q2 हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो आपने D माना था, वो कितना दिया था, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ था आपको, है ना। अब चूंकि यहाँ पॉइंट P माना है अपन ने, जहाँ पे P इंटेंसिटी 0 है, तो ये Q2 के पास हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना भाई। तो Q1 चार्ज यदि अगर पॉजिटिव है मान लीजिए, है ना, प्लस वाला है, तो ये इस तरीके से बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यदि अगर नेगेटिव वाला है तो इस तरीके से बताएगा, है ना, दोनों की वजह से यहाँ पर होगा। तो यदि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये हम बता रहे हैं, तो दोनों के बीच का ये वाला टोटल डिस्टेंस मान लीजिए Q1 चार्ज से ये माना गया कि भाई P पर मिला है, है ना। तो सो यहाँ से ये डिस्टेंस तो D है, तो ये बचा हुआ Q2 से डिस्टेंस कितना होगा, S माइनस D हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है फिर से चाहो तो आप V1 इक्वल देन V2 डायरेक्ट लिख लीजिए, या फिर आपको मालूम है टोटल पोटेंशियल 0 के इक्वल होता है, है ना। तो ये अपन ये ऐसा लिख सकते हैं, इसको ये सॉल्व किया, ये माइनस वाला इधर जाने पर ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, V0 हो गया यहाँ पे, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। अब यहाँ से 4πε0 ये तो कैंसिल आउट हो गया, Q1 बाई S माइनस Q2 S माइनस D, फिर ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, क्लियर है ना। तो ये वाला यदि अगर सिचुएशन ले रहे हैं तो ये माइनस और माइनस ये तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 5×10 -8 -8 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सॉल्व करते हैं तो ये आपका 1 -0.16 / S और 3/5 ही आ जाएगा, है ना। ये सॉल्व कर लेते, 3 इधर आ गया, 5 इधर ले आया मान लो, तो इसको सॉल्व करते तो 40 सेंटीमीटर। तो दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपने दो ये चार्ज लिए थे, है ना, एक ये प्लस वाला था ये माइनस वाला था, एक पॉइंट पी मिलेगा, तो वो कितना मिला था आपको, लगभग 10 सेंटीमीटर पर यहाँ पे मिला था, और एक दूसरा वाला पॉइंट जो है मान लीजिए P1 और ये P2 है, तो दूसरा वाला आपको लगभग मिल रहा है 40 सेंटीमीटर के पर लगभग मिल रहा है, क्लियर है भाई। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट पे मिलेगा जहाँ पे कि जो है पोटेंशियल 0 हो सकता है, ठीक है भाई। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज 5 μC एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। तो ये आपका एक हेक्सागोन दिया हुआ है और सभी जो है इसके कॉर्नर्स पे ये इस तरीके से प्लस क्यू चार्जेस रखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं, है ना, ये आपको मालूम है ना, इस तरीके के क्वेश्चन में, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको मालूम है कि जो पोटेंशियल होगा, है ना, उनका सबके जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ये फॉलो करता है, ठीक है ना भाई, सुपरपोजिशन जो है प्रिंसिपल फॉलो करता है। और टोटल पोटेंशियल अपन लेंगे तो V1 V2 और ये सब के वजह से जो सम होगा उसके इक्वल होगा। तो चूंकि ये 6 चार्जेस है, अब पोटेंशियल के फार्मूले पे आ जाए तो V इक्वल देन आपको मालूम है 1/4πε0 और जो चार्ज होता है Q और बाय R होता है, है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग वर्क की वजह से हमें ये चाहिए, अब ये पॉइंट चाहिए, तो मान लो ये पॉइंट को इन्होंने डी डिस्टेंस मान लिया मान लीजिए, है ना, और चार्ज तो आपके इतने ही है तो इतना हो जाएगा। अब सभी से डिस्टेंस जो है आपका सेम हो रहा है यहाँ पे डी 10 सेंटीमीटर पे, तो अपन इसको बना सकते हैं। तो ये कंबाइंड
की वजह से जो पोटेंशियल अपन निकालते हैं, चूँकि यहाँ पे 6 चार्जेस है तो ये हो जाएगा और बाकी पोटेंशियल इस तरीके से निकल जाएगा। यहाँ वैल्यू यदि अगर पुट कर देते हैं तो आप जो है ये निकाल सकते हैं कि कितना होगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है आप जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, थर्ड फोर्थ जो है बना के देखें, वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं है ना, तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। मैं आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला बता रहा हूँ, हालांकि ये भी आसान है, बट ये क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है और नॉर्मली एग्ज़ाम में आपका ये आता है। तो आपका ये क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन, एयर है मान लीजिए, प्लेट हैज़ ए कैपेसिटेंस 8 pF, उसमें उसका कैपेसिटेंस कितना 8 pF, और पिकोफेरड बराबर आपको मालूम है 10^-12 F होता है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ रिड्यूस बाय हाफ, है ना, डिस्टेंस जो है उसका रिड्यूस कर दिया जाएगा हाफ, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज़ फिल्ड विद ए सब्सटेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6, और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या कर दिया गया जो है 6 कर दिया गया, के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ये आपका 6 होता है। तो यहाँ से यदि अगर दे तो कैपेसिटेंस आपका पहला कितना दिया है 8 pF दिया है, ठीक है, तो ये पहले से आपका दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाली जो रिलेशंस होती है उसके आधार पे बना सकते हैं, और दूसरा जो है आप चाहो तो वैल्यू निकाल के भी बना सकते हैं। तो पहले अपन जो है वैल्यू निकाल के वाला में देख लेते हैं, ठीक है भाई, है ना। तो जो पहले वैल्यू वाले में अपन यहाँ पे क्या देखें, कैपेसिटेंस बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये कितना 8 pF हो रहा है। जब इनिशियली क्या कर लेंगे प्लेट जो है डी है डिस्टेंस उनके बीच में, और अगर एयर फिल है तो उसका डायलेक्ट कांस्टेंट के इक्वल 1 होता है, तो ये वैल्यू सी इक्वल देन के एप्सिलॉन नॉट ए, तो के की वैल्यू तो यहाँ से 1 हो गई, तो बच के आ गया है एप्सिलॉन नॉट ए आ गया सी इक्वल देन, ठीक है भाई, है ना। अब हम क्या करते हैं कि वहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ रिड्यूस टू हाफ हो गया था, तो मान लीजिए इसको नया डिस्टेंस को अपन डी डैश कह देते हैं, तो ये पहले वाले डिस्टेंस से हाफ हो गया, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कितना हो गया है यहाँ पे मान लीजिए के डैश कह रहे, तो ये 6 हो गया मान लीजिए। अब फिर से फार्मूला, सो कैपेसिटेंस या चेंज कैपेसिटेंस अपन बोलते हैं, तो इसको भी अपन ने सी डैश कह दिया, तो सी डैश बराबर क्या हो गया, के डैश हो गया एप्सिलॉन नॉट ए, और भाई यहाँ से क्या हो गया डी हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डी डैश है ना, एरिया सेम है ऐसा बोला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये के डैश तो 6 दिया है आपको, एप्सिलॉन नॉट उतना ही है, एरिया भी उतना ही है, डी डैश बदल गया, डी बाई 2 हो गया, तो 2 ऊपर चला आएगा और डी नीचे रह जाएगा, तो ये सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपने पहले देखा था C इक्वल देन यहाँ पे क्या था एप्सिलॉन नॉट ए है ना, और बाय डी हो गया था ये पहला, और सेकंड वाला C डैश इक्वल देन है ना या एप्सिलॉन नॉट ए तो सेम था, और यहाँ पे 2 आ गया था है ना, और यहाँ पे ये D था, और साथ में K कितना आ गया था 6 आ गया था है ना, तो ये क्या कर दें हम दोनों को डिवाइड कर दें, तो C बाय C डैश ले लें तो बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा और D होगा, और इंटू ए डी हो गया और एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, इंटू कितना हो गया 2 इंटू ये 6 हो गया है ना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला है ना, ये डी डी भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि डी तो डी बाई 2 हो गया, तो सी बाय सी डैश बराबर आ गया यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है भाई। सो सी डैश यहाँ से कितना हो जाएगा है ना, सी डैश यहाँ से सॉरी 1/12 होगा, तो सी डैश को मैं इधर कर देता हूँ तो 12 सी होगा, यानी जो पहले कैपेसिटेंस था उससे कितना हो गया ये 12 सी हो गया। तो ये सी की वैल्यू आपको मालूम है, तो सी डैश बराबर 12 इंटू सी कितना आपको दिया था 8 है ना, तो इस तरीके से 12×96 सी डैश इक्वल दे 96 जो है पीको फेरड हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी भी रख सकते हो या चाहो तो डिवाइड करके कर लो, डिवाइड करने पे ज़्यादा आसान है, ठीक है भाई, ओके।
तो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, उसके पहले वाले क्वेश्चन आप बना सकते हैं, वो डायरेक्ट आपका जो है फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है वो जो है लॉजिक या कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करना है, आप उनको डायरेक्ट जो है फार्मूले के बेस्ड पे दिए हुए तो आप उनको कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है यहाँ पे 11th वाला जो है क्वेश्चन बताता हूँ, ये भी दिया है बट ये थोड़ा सा फ़र्क है, इस वजह से इसको अपन करते हैं। ए 600 पिको फेरड कैपेसिटर, मान लीजिए एक 600 पिको फेरड कैपेसिटर है, इसको चार्ज करते हैं 200 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक है ना, ये एक कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया गया है ना, किससे चार्ज किया गया है, जो सप्लाई दी गई है ये मान लीजिए 200 है ना, 200 वोल्ट से चार्ज किया गया, देन इट इज़ देन डिसकनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई, तो इसको फिर डिसकनेक्ट कर दिया गया एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिको फेरड, तो इसको पहले जो है आपका चार्ज कर दिया गया और बाद में फिर इसको जो है एक और अनचार्ज कैपेसिटर था उससे जोड़ दिया गया। ये कहने का मतलब है वोल्टेज जो है वो सेम ही था। तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, तो हम जो है इसमें एनर्जी कितनी लॉस होगी ये बताना है। तो अब हमें इसमें ये ध्यान देना है कि भाई पहले हम एनर्जी निकाल ले, ईवन एनर्जी कितनी थी, बाद में जो है दूसरे वाले से कनेक्ट किया तो फिर ई टू एनर्जी कितनी निकाली, और दोनों में से फिर माइनस कर देंगे ईवन माइनस ई टू, तो इस तरीके से हमारा एनर्जी लॉस जो है इसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, पहले वाला जो कैपेसिटर था उसका 600 पिको फेरड है ना, तो पीको फेरड में मतलब 10 to power -12 हो जाएगा, ठीक है भाई। और फिर वोल्टेज आपका ये दिया हुआ है, अब ये एनर्जी का फार्मूला अपन बताए तो ई इक्वल देन 1/2 CV² होता है, तो ये वैल्यू सॉल्व कर देते तो 1.2 × 10 to power -5 जूल हो जाएगा। अब ये आपका कह रहा है कि भाई सप्लाई इज डिसकनेक्ट कर दिया फ्रॉम द कैपेसिटर एंड अनदर कैपेसिटर, मान लीजिए दूसरा वाला है 600, ये कनेक्टेड कर दिया गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आप ध्यान दें, यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ हो रही कि यदि अगर जो पहले आपका जो है ना कैपेसिटेंस था उसके साथ में और लगा दिया गया यानी सीरीज़ में लग गया वो, और पहले वाले से लॉस कर दिया गया है ना, डिसकनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका मिल जाएगा। तो ये सीरीज़ में लगे हुए तो आपको मालूम है ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होते हैं है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका, तो ये यहाँ से 1/600 तो ये आपका निकल गया, उसका जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस निकल गया 300 पिको फेरड हो गया, ठीक है भाई है ना। तो यहाँ से हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिर से कैलकुलेट करते, तो मान लीजिए ई डेस या हम अपन ने ई टू मान लिया तो 1/2 CV² और V² हुआ, तो ये अपन यहाँ वैल्यू रख देते हैं तो ये 0.6 और 10 to power -5 हो जाएगी। यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी जो है पीको फेरड में है ना, तो इसको भी हम अपन जो है इसमें बदलना पड़ेगा भाई है ना, ये दिया नहीं है, 300 × 10 to power -12 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये दिया नहीं है, थोड़ा सा आप सुधार लेना है ना, ये फेरड में होगा। तो फिर ये सॉल्व कर लेते तो इतना आ जाएगा। अब ये दोनों एनर्जी मिल गई, उनका डिफरेंस निकाल देंगे, तो यहाँ पे लॉस्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ई माइनस ई डैश ले लेते तो पहली वाली इतनी थी, सेकंड वाली इतनी है, ये निकल जाएगी, तो 6 × 10 to power - है ना 6 जूल, 0.6 × 10 to power -5 था, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है ये निकाल सकते हैं। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चनों को पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन जो है 2.12 है ना, इसमें आपको दिया हुआ है चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम है ना, माइक्रोकूलम मतलब 10 to power -6 हो जाएगा, लोकेटेड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज, मान लीजिए एक स्मॉल चार्ज लिया -2 × 10 to power - है ना 9 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है P003, यानी कि ये समझ लीजिए एक्स वाई और ये जेड वाला हो जाएगा, टू ए पॉइंट है ना 040, तो ये एक्स वाई और जेड है ना, तो ये आपका वाई वाला मिला, वाई ए पॉइंट आर 06 और 9 सेंटीमीटर, तो ये वाला ये भी समझ लीजिए एक्स वाई और जेड, तो इस तरीके से ये मिलेगा। तो हमको जो है ये दो पॉइंट पी से जो है क्यू तक के लाने में काम को देखना है, और कौन सा पॉइंट आर पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना।
तो यहाँ से यदि अगर अपन देखें यहाँ पे डायग्राम हम क्लियर समझ ले, पहले आपका एक्स वाला है, फिर ये वाई एक्सिस है और ये जेड वाला एक्सिस है। तो आपका ये पी पॉइंट है ना, और ये क्यू दिया है, और वाया जा रहा है आर के थ्रू। तो यहाँ से जो है आपका 003 है ना, 003 मतलब कौन सा है, एक्सिस हो जाएगा जेड एक्सिस पे, तो ये जेड एक्सिस पे आ गया। दूसरा वाला फिर आपका है यहाँ पे क्यू वाला 04 और 0, तो ये वाला कौन सा है, वाई है, तो ये वाई एक्सिस पे आया हुआ, एक्स वाई जेड होगा। और ये वाला आपका फिर ये दोनों दिया है यहाँ पे जेड और है ना वाई और जेड एक्सिस है, तो वाई और जेड एक्सिस से इधर बनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा आप चीज़ ये भी ध्यान देंगे कि जो आपका वर्क होता है वो क्या हो जाएगा, कि आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है उस पर डिपेंड करेगा, किस पाथ से होके जाता है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो पाथ से तो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है भाई, तो जो पी पॉइंट हमने लिया था इज़ एट ए डिस्टेंस डी वन इक्वल देन 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर पे था तो है ना ओरिजिन से, और ये इतना था, तो अपन यहाँ से वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन पोटेंशियल निकाल सकते थे, वी वन वाले का पोटेंशियल क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी वन हो जाएगा, बी टू वाले का पोटेंशियल जो क्यू वाले पॉइंट पे लेते हैं तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी टू होगा। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, है ना, पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल देन क्यू वी टू माइनस वी वन होगा, है ना, क्योंकि उसके जो फाइनल पोजिशन है इनिशियल पोजिशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, तो फाइनल पोजीशन वी टू, यदि अगर बात करें तो आपको फार्मूला वी इक्वल देन, ये तो आपको मालूम था डब्ल्यू बाई क्यू, सो डब्ल्यू अगर लेते हैं तो वी इंटू है ना यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वी है यही आपका दो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो क्यू मान लीजिए बाहर है, और यहाँ से दोनों का डिफरेंस वी टू माइनस वी वन अपन ने लिया हुआ है ना। अब यहाँ पे वी टू की वैल्यू रख देते हैं, वी वन की वैल्यू रखते हैं, तो वी टू की वैल्यू रखेंगे तो ये जो चार्ज है ना वी टू सेकेंड वाले चार्ज पे क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो डिस्टेंस था डी टू इस पर डिपेंड करेगा, और ऐसा ही है वी वन वाला जो क्यू चार्ज है पहले वो जो वी वन का चार्ज है और साथ में डी वन डिस्टेंस। तो यदि अगर मान लीजिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते तो ये तो क्यू बाहर है तो ये बाहर आ जाएगा। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी आपको मालूम है तो ये इतना आ जाएगा, और फिर ये चार्ज एक चार्ज ये वाला है, दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों का डिफरेंस है ना, ये जो है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो ये सब सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग इतना इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वैल्यू ये -144 10^-3 सॉल्व कर देते हैं तो, और यहाँ पे 25/3 ये एलसीएम लेके सॉल्व करें तो लगभग आ जाएगा 1.27 जूल करीब आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है। आपको दिया है एक क्यूब ऑफ साइड बी, एक क्यूब है मान लीजिए, उसका साइड क्या है बी है, हैज़ ए चार्ज क्यू, मान लीजिए चार्ज क्यू है, ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स उसके वर्टेक्स पे चार्ज क्यू है, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज आर एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो आपको पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पे ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा क्योंकि सिमेट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, और सिमेट्रिकली सभी ओर से अगर फोर्स देते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल आपको मिलेगा। और पोटेंशियल यदि अगर हमें देखना है तो वी इक्वल देन आपको मालूम है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो चार्ज क्यू होगा और बाय आर, ये हमें डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, तो चार्ज मालूम होना चाहिए साथ में डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है इसके फिगर को देखते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ से फिगर देखें तो फिगर ये हमें दिख रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे फिगर में आप क्या देख रहे हैं, ये क्यूब है इस तरीके से, और चार्ज मान लीजिए जैसे यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, फिर यहाँ चार्ज है, फिर यहाँ चार्ज है, और फिर यहाँ चार्ज है, प्लस यहाँ चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से 8 जगह पे ऐसे चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट है ना, यहाँ भी है। ठीक है, इस तरीके से है, और एक यहाँ ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये अब यहाँ पे हमें मान लीजिए जो आपका ये जो दिया हुआ है क्यूब, क्यूब बनाया गया है, क्यूब की जो एक जो साइड है वो बी है मान लीजिए, है ना, तो ये दूसरी वाली साइड भी मान लीजिए यहाँ पे बी हो रही है। यदि अगर मान लो एक ये वाला फेस अगर मैं ले ले रहा हूँ इस तरीके का, ये वाला है ना, ऐसा फेस यदि अगर ले लिया मान लीजिए मैंने, है ना, तो इस वाले में सॉरी यहाँ पे अपन देख ले, ये जो बना हुआ है ये बी हो गया,
ये b हो गया, और ये हमें d निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इसका इसका एक जो डायगोनल इससे जो है बीच में मिलाना है ये वाला। तो डायगोनल ऑफ द वन ऑफ सिक्स फेसेस का ले लेते हैं। तो ये जो है हम ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस से यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल देन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम साइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ध्यान दे, यदि अगर हम यहाँ पे डी ले रहे हैं तो ये पहले से ही स्क्वायर लगा दिया जाएगा, है ना। तो डी इक्वल देन अंडर रूट बी स्क्वायर, तो अंडर रूट टू बी स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब है यदि अगर डी निकाले तो डी इक्वल देन बी रूट टू हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका मिल जाएगा। अब सेकेंड वाइज, अब यहाँ से देखिए यदि अगर ये हमको डी मिल जाता है तो डी आपका बी रूट टू है। अब ये वाला जो डी हो जाएगा ये एक डायगोनल होगा, और ये वाला जो है आपका बी वाली साइड थी, ठीक है भाई। और बाद में फिर इसको यहाँ से ज्वाइनिंग कर दिया गया, तो इसको एल माना गया है। तो ये जो एल है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, तो ये फिर से जो इसका स्क्वायर होगा बी स्क्वायर और डी स्क्वायर के इसके बराबर होगा। तो यहाँ से जो है बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू बी रूट टू है, तो यहाँ से हम फुट कर देंगे, ये एक्चुअल में एल बराबर है ना भाई, एल बराबर है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो एल इक्वल देन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ओवर जो है यहाँ से डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका है ना बी, है ना रूट रूट ओवर है ना बी स्क्वायर का इसका स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर लिया, इसको सॉल्व करा तो अंडर रूट थ्री बी स्क्वायर हो जाएगा। तो थ्री बी रूट स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा बी रूट थ्री, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये आपका बी रूट थ्री हो गया। तो चूंकि जो आर डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये हाफ हो जाएगा उसका, इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्यूब एंड द वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, है ना। ये जो दिया हुआ था उसका हाफ ये डिस्टेंस मिलेगा, तो बी रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, है ना। तो बी रूट थ्री आपका आया था एल, उसका हाफ निकालना, क्योंकि सेंटर का निकालना है सेंटर ऑफ द क्यूब से। तो सिर्फ बस यहाँ हमको डिस्टेंस चाहिए था, और बाकी आपको चार्ज तो मालूम है। तो वी इक्वल देन ये जो है एट की वजह से, तो एट क्यूब हो जाएगा, और बाद में फिर डिस्टेंस, तो बी अंडर रूट थ्री बाई टू जो हमने निकाला था। तो इस तरीके से ये निकल जाएगा फोर क्यू रूट थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चनों को बना के प्रैक्टिस करके देखिए, और यदि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर मेरा जो पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर है ये आपको तो मालूम है, इस पे जो है आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही। ओके भाई, ठीक है।